हेलो, वेलकम बैक अगेन टू एडीबीजी आर्किटेक्ट्स। एंड आज हम शो करेंगे आपको एक और न्यू हाउस प्लान। इसका फ्रंट रहेगा 25 फीट एंड इसकी जो डेप्थ है वो रहेगी 37-37 फीट। तो ये एक 25x37 का प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें कोई रेंज वगैरह नहीं है, ठीक है। एंड इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है पहले मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ और फिर उसके बाद आपको इसकी साइजेस एंड वेंटिलेशन। एक पोर्च आएगा, एक ड्राइंग रूम, देन एक टॉयलेट और एक ओपन स्पेस और स्टेयरकेस रहेगी बाहर से इसमें, देन एक लॉबी एरिया, एक बेडरूम और बेडरूम से अटैच एक टॉयलेट एंड एक किचन एंड एक सेकंड बेडरूम। तो ये तो है इसकी मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स। अब उसको हमने किस तरीके से एडजस्ट किया है, फिलअप किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो मेन गेट की बात करते हैं, सबसे पहले इसका मेन गेट आएगा राइट साइड में और मेन गेट से ही आपको पोर्च मिल जाएगा 12x14 फीट का, ठीक है। आप यहाँ आराम से एक 4-व्हीलर और 2 2-व्हीलर पार्क कर सकते हैं, ओके। देन पोर्च से ही आपको एक स्टेयर केस मिल जाता है। स्टेयर केस हम फ्रंट में तब लेते हैं जब हमारा ऊपर का पोर्शन हमें रेंट पे देना हो, एक रीजन ये भी होता है, ठीक है। देन पोर्च से ही आपका एक डोर आएगा ड्राइंग रूम के लिए। ड्राइंग रूम का साइज 11x9 फीट है, ठीक है। और इसमें सोफाज वगैरह फ्रंट वॉल पर एंड लेफ्ट वॉल पर आराम से इजीली रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका साइजेस हो गया। ड्राइंग रूम से ही एक और डोर है जो आपको एक्सेस देता है इस लोबी में, ठीक है। इस लोबी का साइज आपको 9x15 फीट मिलेगा जो कि एक मीडियम साइज की लोबी है, ठीक है। और इसी लोबी से आपको मिलती है एक टॉयलेट जिसका साइज 5x4 फीट है। देन टॉयलेट के ही साथ आपको ओपन एरिया मिलता है जो हमने यूज किया है वेंटिलेशन के लिए, टॉयलेट और किचन के। देन उसी के साथ आपको किचन एरिया मिलेगा 5x8 फीट जिसमें हमने एल शेप से इसका स्लैब डिजाइन किया है और ये भी एक मीडियम साइज की किचन है। अब बचते हमारे ड्राइंग बेडरूम्स। ये हमारा बेडरूम 1 एंड इसका साइज आपको मिलता है 9x13x9 अप्रोक्स। बेड वगैरह के आपने ओरिएंटेशन देख लिया होगा, राइट साइड में हमारा इसमें बेड आ जाएगा। देन ये हमारा सेकंड बेडरूम है और बैक वॉल पर बेड एंड फ्रंट वॉल पर आपकी एलसीडी यूनिट। आप चाहें तो इसमें एक अलमीरा भी लगा सकते हैं, एनफ स्पेस है, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड बेडरूम और इसकी एक और रिक्वायरमेंट थी जो हमसे रह गई थी, वो है फर्स्ट बेडरूम के साथ ओपन स्पेस एंड टॉयलेट अटैच है 3x4 फीट का, सही है। तो ये तो मैंने आपको शेयर कर दी है इसकी रिक्वायरमेंट्स। देन अब मैं आपको इसके वेंटिलेशन बता देता हूँ कि इसमें कहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहे हैं और कहाँ पर नहीं हो रहे हैं, सही है। सबसे पहले बात करेंगे ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन इजिली हो जाएगा क्योंकि ये फ्रंट पर है। सेकेंड, हमने इसमें ओपन स्पेस दिया है 5x3 फीट का जिसका बेनिफिट हमें किचन और टॉयलेट में होगा, दोनों में वेंटिलेशन हो जाएगा। देन उससे आगे चलें तो हम बेडरूम के साथ हमने ओपन स्पेस दिया है और इस ओपन स्पेस से बेडरूम 1 में वेंटिलेशन एंड साथ ही साथ बेडरूम 2 में भी वेंटिलेशन हो जाएगा और उसी के साथ आपका टॉयलेट में भी वेंटिलेशन हो जाएगा। तो वेंटिलेशन के लिहाज से ये एक अच्छा प्लान है, आप इससे रेफरेंस ले सकते हैं और 25x37 प्लॉट के साथ ये ठीक है। बाकी आपका अगर प्लॉट साइज डिफरेंट है और आप इसमें एक डोर भी खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं एंड आप अगर अपने लिए एक न्यू मैप बनवाना चाहें तो वो भी बनवा सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ADBZ आर्किटेक्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।